वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जनवरी 20 एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं उन्हें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, और जो बार बार फेल हो रहे हैं सी लैंग्वेज में उन्हें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत कम टाइम है आपको, तो आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आप पढ़ लीजिए कि आप सी लैंग्वेज में पास हो जाइएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RIT चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है आपके एग्जाम के बाद यानी 15 जनवरी से, और इस सेशन में हम पढ़ना शुरू करेंगे पाइथन और बाकी वेब डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखाएंगे। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो जरूर आप हमें पेमेंट करिएगा, 150 रुपीज आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बस इतना पढ़ लो, क्या पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है। देखिए आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पेपर सॉल्व करना है। कम समय है इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण चीजों को ही पढ़ें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 8 ईयर के पेपर को सॉल्व कर डालिए। कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे RITI इंस्टीट्यूट ओपन करिए। RITI इंस्टीट्यूट को ओपन करना है अपने मोबाइल में। यहां पे आप RITI इंस्टीट्यूट को जब ओपन करेंगे तो आपको यहां पे नीलेट कोर्स पे जाना है। और देखिए मैंने यहां पे सी लैंग्वेज के काफी पेपर सॉल्व करके डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको बहुत ही आसान है। आप पेपर खोल लीजिए यहाँ पे, बाकी पेपर आप अपने बुक से, कुछ नोट्स आपके पास होंगे आपको उतना ही पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा आपको कुछ फोकस नहीं करना है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो फटाफट बस क्या करना है, सॉल्व करना है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास और लेखन किसके द्वारा हुआ, तो यहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपको आंसर लगे, जैसे ए आपको लग रहा है तो आप ए टिक करिए, गेस करिए खुद को कितना नंबर हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इन पेपर में भी अगर पास नहीं हो पाएंगे तो आप नए पेपर में कैसे सॉल्व हो पास हो पाएंगे। तो आप क्या करिए कि इन 6-7 पेपरों को अगर आप तैयार करेंगे, 40 नंबर है एक क्वेश्चन पेपर में, 40 आपके होते हैं, तो 40 का मतलब ये हुआ कि 8 पेपर सॉल्व करना है तो 8 × 48 लगभग 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपके लिए मानकर चलिए पास होने के लिए बहुत है जो है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे बी वाला सही है तो ये सही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही आंसर आपका लगना चाहिए ये एक बार में ही, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको पेपर जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं सारे पेपर तो यहाँ पे आपको जो है 6 पेपर पूरे मिल रहे हैं, बाकी हो सकता है मैं अपलोड कर दूं जो जल्दी में जल्दी आपके एग्जाम से बिफोर कुछ पेपर्स, तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपका वेब डिजाइनिंग है, ऐसे आपका IT टूल है, आप ऐसे ही टेस्ट दे करके तैयार करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे है सब्जेक्टिव तैयार करना है। 4 साल के पेपर को सॉल्व करना है, 4 साल के पेपर अपने कॉपी में आप लिख डालिए, तभी आप समझिए कि आपके चीजें तैयार हो पाएंगी। 4 साल के पेपर में कितनी चीजें तैयार करनी है आपको, ईमानदारी से अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको जो यहाँ पे सारी चीजें समझ में फटाफट देखिए आ जाएंगे एकदम से। करना यह है कि आपको देखिए इन पेपरों में सबसे देखिए पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 आपका जो दिया हुआ है इसमें, ये इसमें एक एक में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज्यादा दिया होता, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर डालिए आप, सभी क्वेश्चनों को, एक क्वेश्चन ए बी सी इनको आप लिखिए अपने कॉपी पे और इन्हें तैयार कर लीजिए। फिलहाल अगर आपका लिखा हुआ है तो आप उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, बार बार। और आप रिवाइज कैसे करेंगे, कॉपी में लिख करके ही रिवाइज करना है आपको, कोई भी जो है आपको टेम्परेरी काम नहीं करना है, कॉपी में लिख कर ताकि आपकी हैबिट बने, स्पीड बढ़े। तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो है ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग डिटेल, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, तो आपको क्या करना है, इतनी हेडिंग बना दीजिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग,
यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फिर ओके बाद उसके बाद में देखिए जैसा आपने लिख लिखा, तो अगर नहीं लिख रखा है, कम टाइम आपको लग रहा है, तो क्या करिए, नंबर एक पॉइंट फाइव लिख लीजिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, नंबर दो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नंबर तीन एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे नंबर चार हम नेटवर्किंग के लिए प्रोग्रामिंग कर, ऐसे हम जितना भी पॉइंट बनता पॉइंट क्यों लिख ले, पॉइंट अगर आपके याद हो जाएंगे तो आपका एग्जाम में ये बहुत ही मदद करेगा, आपको ज्यादा जो है दिक्कत नहीं होगी, तो आसानी से आप तैयार कर ले जाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको जो है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे आपको जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे यहां पे आप, टाइम मैनेजमेंट देखो करना क्या है, आपके दो पार्ट है आपके टाइम में, टाइम मैनेजमेंट में आपके दो पार्ट है, एक तो आपका है पार्ट सब्जेक्टिव और एक पार्ट आपका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं आपको कुल मिलाकर के 1 आवर, इसके लिए मिलते हैं 2 आवर, तो आप इसको करिए क्या, कम टाइम में सॉल्व करने प्रयास करिए, 60 मिनट के बजाय 40 मिनट में आप सॉल्व करवा लीजिए इसको, तो आपके पास टाइम उधर के लिए कुछ ज्यादा बच जाएगा। अगर आपके पास 2 आवर है, वैसे तो जो है जो पेपर बनाने वाला उसने 2 आवर दिया है आपको, 2 आवर भी बहुत है, कम नहीं आपके लिए, तो आप आसानी से टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखिए। अब टाइम मैनेजमेंट ज्यादा दिक्कत जानते कहां करता है, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा दिक्कत करता है इस जगह पे आपको, सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन हमने 25 मिनट कर डाला, 30 मिनट कर डाला, अब हमारे पास टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसलिए आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा ना दीजिए, 10 से 15 हो गया तो आप उस क्वेश्चन को ही रोक दीजिए, उससे ज्यादा टाइम ना दीजिए, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, छूट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग नहीं बन रही है तो आप समझ लीजिए कि आप को नंबर कम मिलेंगे, 100% नंबर कम मिलेंगे, राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं बननी चाहिए कि आप वहां ड्राइंग करने लगे, इतनी अच्छी बननी चाहिए कि पढ़ने में आने लगे, अगर बिल्कुल खराब है तो घसीट कभी लिख रहे हैं तो पढ़ने में आने लगे, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना सुधार करिए आप जो है, ताकि आप की राइटिंग एग्जाम में पढ़ने में आने लगे, नहीं तो फिर आप जो हो रहे थे वही होंगे जो है। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट, ठीक है ना, फ्लो चार्ट बनाना है, तो कोई प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट जब भी आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो फटाफट क्या करिए कि डायग्राम आप नीचे तैयार कर दीजिए उसी के बगल में, जैसे आपने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है यहाँ पे, थ्योरी लिखते जा रहे हैं, तो आप डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या होगा, पेपर में देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपके पास जो है ब्लैक स्केच होना चाहिए, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ब्लैक पेन लेकर चले गए, मुझे लगता है कि नंबर चेक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा बुजुर्ग होता है, उसको दिखने में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर लगना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा ब्लैक स्केच ले जाइए, और ब्लैक स्केच से चीजों को आप जो है बढ़िया से लिखिए, ताकि जो है अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जब लिखा है तो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, फिर उसके नीचे पॉइंट डिस्क्राइब किया ताकि देखने में आपको समझ में आ जाए ठीक से, बिल्कुल वैसे ही आप एग्जाम में करिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए एग्जामिनर को प्रॉपरली, तो ये पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका एग्जाम में क्लियर होगा जाए, ठीक है ना। डायग्राम आप जरूर बनाए एग्जाम में, हर क्वेश्चन में डायग्राम छोटा मोटा कोई भी जैसा आपको समझ में आ रहा है, और पहले से आप एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए तो आपका और अच्छा हो जाएगा जो है। क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली राइट करें, देखिए बहुत बार मिस्टेक यही होती है, मैं अपने यहाँ पे स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ तो जरूर बताता हूँ। जैसे देखिए आप ब्लैक स्केच से आंसर नंबर आप लिखिए, जैसे 5 लिख दिया, आप इसके नीचे एक लाइनिंग बढ़िया सा खींच दीजिए ब्लैक स्केच से, और फिर हेडिंग लिख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिए, जैसे हम मान लीजिए फ्लो चार्ट लिख रहे हैं तो फ्लो चार्ट हम पूरा लिखेंगे बाकायदा, फिर उसके नीचे स्टार्ट करेंगे लिखना, एक तो कॉपी जल्दी भरेगी, दूसरा चीज देखने में साफ सुथरा लगेगा तो अच्छा लगेगा जो है, ठीक है ना, ये एक बढ़िया पॉइंट है। अब अपनी बुक देखिए जिसमें आप जैसे स्टडी करते हैं उसमें भी साफ साफ बढ़िया लिखा रहता है ताकि आपको समझ में फटाफट आ सके जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना तैयार आप कर लीजिए जो, ठीक है ना, तो आप 100% पास होंगे। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा मेहनत कर रखा है, आपको बस केवल क्या करना है, यहाँ पे आ करके स्टडी कर लेनी, प्लेलिस्ट खोलिए, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट खोलना है,
आरआईटीआई पे आकर के सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में पढ़ना कितना है, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ना बता रहा हूँ, उतना पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस समय पढ़ नहीं पाएंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जुलाई का पेपर देखिए, जुलाई दिया हुआ तो जुलाई आप तैयार कर लीजिए, यहाँ पे जुलाई 18 तैयार कर लीजिए, यहाँ पे जनवरी दिया हुआ तो जनवरी तैयार कर लीजिए। ऐसे जो पेपर हमने 4 साल के बना रखे हैं, इसमें बस 4 साल का पेपर आप तैयार कर लीजिए, तो समझ लीजिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा 100% आपका क्या हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आपको इतना पढ़ लेना है, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो इस बात का बिल्कुल फॉलो करें। अब वे लोग जो बार बार एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। नंबर एक, आप ये देखिए कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव दिक्कत कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब ये कि पार्ट वन जो पेपर का है, जिसमें हमारे सारे फिल करने वाले ऑप्शन आते हैं, क्या मैं उनमें फेल हो रहा हूं, तो आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। हमने ऑब्जेक्टिव पे कई वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप अपनी बुक नोट्स जो भी आपके पास है, आप उनसे ऑब्जेक्टिव ही कम से कम 1000 क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। जब आप 1000 क्वेश्चन तैयार करेंगे, सॉल्व करने वाले जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ मैं अभी वीडियो और डालूंगा एग्जाम से बिफोर, तो उन्हें भी आप जरूर ट्राई करिए। अगर सब्जेक्टिव भी वीक है, यानी लिखने का आप लिख नहीं पाते स्पीड में, या आप लिखना आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, तो उसको आप लिखने का तरीका फॉलो करिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी पास होना पड़ेगा आपको। जो है टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे मैंने अभी आपको पहले बताया, इसमें भी आपको बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो 100% है कि आप बार बार फेल होंगे। और एक बात आपको बता दें, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा ना दीजिए। और अगर आपको, मैं ये इधर दिखा करके बता रहा हूं ताकि आपको बाकायदा समझ में आ जाए, देखिए इसमें कुल 4 ही क्वेश्चन करना है, 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां, 9 क्वेश्चन दिया होता है, तो आपको देखिए 9वां नहीं करना होता है, मतलब जिसे आपको 9वां एक तरीके से आपको जो है 4 ही करना है, ठीक है ना, 5वां नहीं करना है। तो अगर आपको टाइम बचता है तो आप 5वां भी कर दीजिए। एग्जामिनर अगर इस बात को नहीं ध्यान देता तो आपको नंबर दे देगा, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट आपको करना जरूर चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं दे पाता है कि आपने 5 क्वेश्चन किए कि 4 ही किए हैं, तो ये काउंट नहीं कर पाता है। तो आप कर सकते हैं इस चीज को, जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, अगर आप राइटिंग पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो आप समझिए कि आपके मार्क्स कटेंगे और आप बार बार ऐसे ही फेल होते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देना है, अन्यथा आप बार बार ऐसे फेल होते रहेंगे। जो नए बच्चे हैं वो इस श्रेणी में आ रहे हैं, इनको भी इस पे ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि अगर आप हम इस तरह की वीकनेस करेंगे तो हम बार बार फेल होते जरूर रहेंगे, भले ही हमें सी क्यों ना आती हो। रेगुलरली 6 घंटे आप पढ़ने का प्रयास करिए, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर इससे कम पढ़ने प्रयास करेंगे आपके पास, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप वीक हैं किसी में भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में वीक हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो ही देख करके आप स्टडी करिए, आप यूट्यूब पे और बहुत सारे तरह के स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, कोई जरूरी नहीं कि किसी के आप पर्टिकुलर वीडियो देखिए तब आप पास होंगे, जो है ठीक है ना। और ये इसका मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आपको तैयारी करनी है, सिर्फ जो है पढ़ना है, कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत कुछ उपलब्ध है ऑनलाइन, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे जो है। और अगर आपको ये लगता है कि इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।